सैल्यूट है इन लोगों को कैसे सिचुएशंस में ये लोग काम करते हैं, क्योंकि यहाँ से लैंडस्लाइड होके पहाड़ कभी भी नीचे गिर सकता है और ये लोग यहाँ से पत्थर उठा उठा के लेके जाते हैं। यहाँ पे जान का कीमत ज्यादा से ज्यादा 200 से 300 रुपए ओनली। और आप लोग ये जो पत्थर तोड़ते हो हाँ। इसमें डेली का कितना पैसा बना लेते हो? मैं एक दिन में 300 तो 30 रुपीज बस। चिली ग्रीन चिली तीखा होता स्पाइसी है स्पाइसी ट्राई कर ला मुंह जल जाएगा So this is the condition of my right now. कैसा लग रहा है? बेस्ट है, कैमरे का सामने बेस्ट है। और तो पागल हो रहा था, बेस्ट नहीं बोल रहा मैं, ट्राई करना वर्थ इट है। पानी आ गया, इधर जलन लग रहा है। तुम लोग कहाँ तक जा रहा है? कनपोई मिजोरम में पड़ता है। हाँ ओके okay. तो अभी आता कि बागान से निकल के आए थे और आते ही एक और लिफ्ट मिल गया अपने को। यहाँ पे ये किस लिए बना रखा है? बारिश वगैरह के लिए। हेलो, हाथ मिलाने का हैंडशेक। हैंडशेक बिले का मिल रहा है। बाय बाय। ये मिजोरम का आदमी है। ये साइड मिजोरम और ये साइड त्रिपुरा। अच्छा जी, बिल्कुल त्रिपुरा मिजोरम के क्या बोलते हैं, कहाँ पे चल रहे हैं हम लोग? बॉर्डर पे चल रहे हैं हम लोग। तुम जाता? हाँ। तो हमें गाइड कौन करेगा? ड्राइवर आ गया। अच्छा, ड्राइवर बताएगा। हाँ। ओके। हेलो, तुम्हारा बच्चिया था। ठीक है। ओके बाय बाय। वो रहा बंबू। बंबू? उसके पास है। कोई काटे ना दे। आने का देगा। ये वीडियो है। ये रहा। इसको क्या बोलता? उसने जो हाथ में लिया था, इन लोगों का लोकल पटाखे जैसा कुछ होता है, बजाते रहते हैं, बच्चों का अच्छा एंटरटेनमेंट होता है। तुम स्कूल जाता? हाँ, वो रही स्कूल। अच्छा, वो तुम्हारा स्कूल होता? हाँ, पुरानी स्कूल में भूत है। भूत? हाँ, ओरे बाप रे। किसका भूत है? अंकल जॉन का? एक लड़के है ना, वो एक टंकी है ना, वहाँ पर रोता है। वहाँ की टंकी के अंदर? हाँ, स्कूल में एक मारा भूत सुनसान घाट में। अच्छा, फिर कराया था। तुमने देखा कभी? देखा है। तुम्हारा कराया है दू। तुमको डर नहीं लगता? हमारा सुनो, स्कूल में डर लगता है बहुत ज्यादा, डर लगता है। वो लड़की कैसा कपड़ा पहनता है? सफेद कपड़ा। हाँ, रात को आता, रात में तार में झूलता है। रात में तार में झूलता है। तार में झूलता है? और बाबा, मेरे मम्मी भी एक देखा है, छोटा सा बच्चा। तुम लोग को डर नहीं लगता भूत का? क्यों? उसे एक्शन में अस्पताल पहुंचा देते हैं। कॉन्फिडेंस दिख रहा है भाई का। ये कनपोई आ गया? बॉर्डर कहाँ पे होता? इधर। हमें कौन सा रास्ता लेना? अभी सामने ही है, इधर मिजोरम जाना है तो इधर जाना पड़ेगा। सामने ठीक है। ओए मुद्दिया साले ने, मुद्दिया भाई, यही दिन देखने बाकी रहे थे त्रिपुरा के लास्ट गांव में, कुत्ते ने मेरे बैग पे मुद दिया। ये अच्छा थंबनेल लोगा ना, डॉग पीट ऑन माय बैग लास्ट विलेज ऑफ त्रिपुरा। तो यहाँ पे चाय वगैरह पीते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से मेघालय के अंदर। मेघालय नहीं, मिजोरम होगा ना। हेलो दीदी, चाय होगा? चाय गिव अस टू टी। गुड, इट्स गुड। चलेंगे थोड़ा सा, गुड फ्रेग्रेंस। लेकिन क्या करता भैया, जैसा भी है और पानी नहीं डाल सकता इसके ऊपर। तो अब एंटर करते हैं मिजोरम बॉर्डर के अंदर।
तो सामने की तरफ ही लगा है। तो ये अभी मिजोरम बॉर्डर, वेलकम टू खानतांग विलेज, मिजोरम डिस्ट्रिक्ट मामित। मिजोरम दिस वे, मामित इधर रही है। आप ये क्या लेके आता? बम्बू वीडियो कैमरा का था। इसको क्या बोलता? दिस सरसों मस्टर्ड। इसका क्या करता? सब्जी। ओके, सब्जी बहुत अच्छा है ना। अच्छा बनता? अच्छा, हम खाता। राजस्थान में भी इसका सब्जी बनता? बॉयल करके। ओके थैंक यू। ये भी यहाँ का चेक पोस्ट, मिजोरम त्रिपुरा। और ये पहुँच चुके हैं मिजोरम में, और यहाँ से लिफ्ट मिलना काफ़ी मुश्किल है अब मेरे को लगता है, क्योंकि तो आगे का रोड है वो भी काफ़ी ख़राब बता रहे हैं। सभी लोगों ने ऐसे ही बताया कि आप कल ट्राई करना, कल मिल सकता है, आज मिलने का कोई चांस नहीं है। पाकि उत्ता तो आदि उत्तम। हेलो, मिल चुका। हेलो हेलो हेलो, हु इज द ब्रेवेस्ट किड? नो, हेलो हेलो। हाँ, ये लोंडा मिलाएगा हाथ। हेलो भाई, लिशन हेयर हेयर। हेलो 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 हेलो, बाय बाय बाय। बाल ज्यादा है ना? कहाँ पे? मुख में। अच्छा, इसलिए भागता, डर लगता? इनसे डर नहीं लगता? इनसे, इनके भी तो बाल होता मुंह पे थोड़ा थोड़ा। ये क्या होता? हचो। ये बदला लेने क्या आता हमसे? ओ हम बैग में डाल के ले जाएगा तुमको, ठीक है? ये शिकायत कर रहा है अपनी मम्मी से कि मैंने इनके साथ क्या किया। बता दिया? यू टोल्ड देम? ये क्या बोलता आपको? बोलता है क्या, ओ बच्चा को दे दिया, बोलता है वो दौड़ता है, वो क्या मिट्टी में जो रहता है ना। हाँ, ऐसे चलता है। वो गिंडा भी लगता है, दौड़ता भी है। दौड़ता है? मैं सोचा उससे खेलता है ये। यहाँ से आगे वाला बस्ती कितना दूर होता? 18 किलोमीटर। 18? वहाँ से आइजोल के लिए गाड़ी मिलेगा ना? क्यों नहीं मिलेगा? ओके बाय बाय। सही बोला था पब्लिक ने, रास्ता अब ऐसा ही मिलने वाला है, लगभग 10 से 18 किलोमीटर तक, और उसके बाद में आगे एक बड़ा शहर आएगा, राजीव नगर। राजीव नगर से आगे कोई ज्यादा लंबा लिफ्ट मिलने का चांस है, उससे पहले इसी कीचड़ में भटकना है अपने को। वो कहाँ पे होता है? आइजोल। आइजोल उधर, वो गाड़ी आ रहा है, उसके साथ चले जाओ। ओके ओके ओके। अरे भैया भैया, आगे लेके जाता। छोटू बता रहा है कि जो आइजोल अपना है वो है सामने की तरफ, ये वाला जो पहाड़ दिख रहा है ना आपको, इसके उस तरफ डायरेक्टली देखें तो यहाँ से 50 किलोमीटर होगा, उतना भी नहीं होगा मुश्किल से, लेकिन पहाड़ी रिश्तों में घूम घूम के 170 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से। कोई ना, 2 से 3 दिन में पहुँचेंगे तो भी अपने कोई इशू नहीं, आराम से। और आइजोल देखने से ज़्यादा मज़ा तो ये नज़ारे का है भाई। नीचे की तरफ छोटे 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 खेते दिख रहे हैं लोगों के, जहाँ पे उन लोगों ने झूम किया है। झूम मतलब वही आग जला के, खेत का पेड़ पौधा जला के फिर वहाँ पे खेती करता है। हैंडशेक चलता। यहाँ पे भी लैंडस्लाइड से बाढ़ गिरा हुआ है, फिर उसके ऊपर छोटे मोटे पेड़ पौधे वापस सूख गए। यार बारिश भी आना शुरू हो गया हल्का हल्का, और आज कोई सर ढकने के लिए जगह भी नहीं अपने आसपास, पूरा जंगल पड़ा है बियाबान। सामने की तरफ जेसीबी और ट्रक वगैरह खड़े दिख रहे हैं, शायद रोड कंस्ट्रक्शन वालों का होगा, तो यहीं पे जाके सर छुपा लेते हैं यार, जब तक बारिश शांत होगा फिर निकल जाएगा वापस। ये जगह देखो इन लोगों ने कैसे बनाया, पूरे पहाड़ को काट के अपना पार्किंग लॉज, स्पेशल VIP पार्किंग। अरे सेठ जी कहीं आला है? मैंने एक सुजान के दो भाइयों मिले, बोलियो का आगे अपने राजस्थान का छोरा बैठे हैं कैंप है। अट्ठे ही है क्या? पिछाड़ के देख गए मतान। क्या हाल भाई? ठीक है भाई। क्या डब्बे है जाट? धन्यवाद भाई जी। कहाँ जा रहे हैं अभी हम? गो टू कनपुई। तो खाना वाना तो हम लोगों ने कर लिया, अब जा रहे हैं एक ट्रैक्टर का राइड लेने। भाई साहब को कनपुई में कोई काम है और अपने में कोई काम नहीं है। कनपुई कितना दूर है यहाँ से? कनपुई यहाँ से कितना है? 1 किलोमीटर। और भाई ये जो सामने वर्कर लगे हैं, ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं पहाड़ के,
इनको तोड़ के छोटी क्रेशर बनाते हैं। ये क्रेशर क्या काम क्या आता है, रोड बनाने के लिए? ये जो घर बनाने के लिए काम ले रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे वो क्रेशर नहीं लगेगा, हाथों से ही तोड़ते हैं? हाथों से तोड़ते हैं। इनको डेली कितना रुपए कर लेते हैं? ये कर लेते हैं 60 रुपए, दो टेना का, एक टेना का 30 रुपए मिलता है। एक टेना जैसे एक पिंपा कोनी होगी। अच्छा, उसका 30 रुपए? 30 रुपए, मतलब 2-3 पीपे तोड़ पाते हैं? बता, 2 पीपा मुश्किल है। ओह देखो यार, 60 रुपए के लिए कितना कितना मेहनत करते हैं लोग। लेकिन यहाँ पे इनकम का कोई दूसरा सोर्स भी तो नहीं है। और ये सामने की तरफ मिजो लड़कियाँ ये खेत में जा रही है मेरे हिसाब से। यहाँ पे खेत में क्या क्या होता है? चावल और सब्जी और सुपारी। सुपारी अच्छा, मतलब फसल में एक चावल ओनली, बाकी ज़्यादा तो ये मीट के ऊपर ही रहते हैं ना? हाँ, मीट या ये जो जंगल के बम्बू इनको सब्जी बना। हाँ, बम्बू से बांस से सब्जी बनता है। और ये हुआ है भाई स्लाइड, यहाँ पे पूरा पहाड़ नीचे आ गया। और भाई यहाँ पे रोड का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ से लेके राजीव नगर एक आगे शहर आता है, लगभग 18 किलोमीटर है, बस ऐसा ही रोड मिलेगा। और इससे भी ख़राब ही है, तो फिर भी अच्छे के अंदर आता है। और ये एक बार फिर से हम जा रहे हैं त्रिपुरा बॉर्डर के अंदर। ये वाला बैम्बू जो है मिजोरम और त्रिपुरा का बॉर्डर है भाई। आज से लगभग 7-8 दिन पहले बनवाया था हमने ILP, उसके बाद वापस त्रिपुरा के अंदर घुस गए। केला कैसा होता है यहाँ पे? 10 रुपया। 10 रुपया एक केला? ये गुच्छा, गुच्छा पूरा 10 रुपए का। हाँ, ये अच्छा है क्योंकि यहाँ पे केला अच्छा लगता है। जंगलों में फल फ्रूट का मौज मस्ती है समझो यार। यहाँ पे केला ले लो, लीची ले लो, आलू बुखारा या फिर आम बहुत सस्ते मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि जंगलों में ऐसे ही पड़े रहते हैं, खराब ही होते हैं मोस्टली। और जो त्रिपुरा मिजोरम बॉर्डर के ऊपर गाँव है, इसका नाम है कनपोई। ये आधा गाँव पड़ता है त्रिपुरा के अंदर और आधा उस तरफ मिजोरम के अंदर। इस गांव में कौन से रहते हैं? रेहांग, मिजो और चकमा। आप क्या हो? चकमा मेरा दीदी है। जिसे शादी किया वो दीदी कहाँ है? पता नहीं दीदी कहाँ है, सिर्फ ये जीताजी बोलने के लिए बोला है, मैं बोलती हूँ। और आप लोग ये जो पत्थर तोड़ते हो, इसमें डेली का कितना पैसा बना लेते हो? एक दिन में 30 रुपया। 300? तो 30 रुपीज, 10 3 3 10 10 के 3 नोट बस। क्यों? अरे पैसा नहीं है, करना तो पड़ेगा ना। तो कोई दूसरा काम नहीं कर सकते आप जिसमें ज्यादा पैसा हो? नहीं सकता है। तो आप जैसे आपके बागान है तो आप बागान में काम नहीं कर सकता? नहीं बागान। अच्छा, ऐसे सभी लोगों का बागान नहीं है गाँव में, कुछ ही लोगों का है? मतलब ये मेरा नहीं है। अच्छा, आपका नहीं है। आपका नाम क्या होता? किरण बाला। किरण बाला चकमा। अच्छा, क्या करेगा, कोई बाल बच्चा भी नहीं है, सिर्फ मेरे 2 आदमी है। एक दिन में 30 रुपया, एक बाल्टी जैसा होता है वो तोड़ने में 30 रुपया मिलता है इनको। अब देखो कितना हार्ड वर्क करते हैं। कितना घंटा काम करता? सुबह निकलता है 7 बजे में ऐसे निकलता है। अच्छा, फिर जाना है 9 बजे में ऐसे जाता है, फिर खाना खा के आ रहा है। भाई ऐसा है लाइफ यहाँ पे, लैंडस्लाइड से जो पत्थर गिरता वो ये लोग ऐसे उठा उठा के लाता, कैसे कीचड़ पानी से भर भर के। कैसे चाचा, अच्छा होता? नहीं करेगा तो काम नहीं करेगा तो कैसे खाना खाएगा? हिम्मत देख रहे हो, हालत कैसी फिर भी बोलता अच्छा होता। यही हिम्मत चाहिए भाई ऐसा काम करने के लिए। सैल्यूट है इन लोगों को, कैसी सिचुएशंस में ये लोग काम करते हैं, क्योंकि यहाँ से लैंडस्लाइड होके पहाड़ कभी भी नीचे गिर सकता है और ये लोग यहाँ से पत्थर उठा उठा के लेके जाते हैं। यहाँ पे जान का कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 300 रुपए ओनली। लेकिन क्या करें, यहाँ पे काम करने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं इनके पास, क्योंकि सब लोगों के पास यहाँ पे बागान भी नहीं होते ना, अपना झूम करने के लिए खेती होता तो अपने बीवी बच्चों को, बीवी बच्चे नहीं, बीवी तो यहीं पे काम करता है लगभग, अपने पति और बच्चों को पालने के लिए और दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है इनके पास। और ये लोग पानी कहाँ से लेके जाता है यहाँ पे? और ये जो त्रिपुरा मिजोरम बॉर्डर के ऊपर जितने भी वर्कर काम करते हैं पत्थर तोड़ने का, इनके पास पानी पीने का ऑप्शन है ये वाला। पहाड़ में ऊपर से बारिश से पानी आता, फिर नीचे बैम्बू लगा रखा है इन लोगों ने। या पानी तो मटमैला होता क्योंकि अभी मानसून का सीजन है, तो पहाड़ों में मिट्टी भी साथ में मिल के आता, लेकिन और कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है इनके पास।
और वो गांव के लोंडे लपाटे पबजी खेल रहे हैं, यहाँ पे नेटवर्क अच्छा आता है। और ये सामने की तरफ झूम के खेत लगे हुए हैं चावल की खेती। और ये वाले जो पहाड़ हैं ये पड़ते हैं मिजोरम में और वो वाला पड़ता है त्रिपुरा। अभी जा रहे हैं हम अंदर चाचा के पास हुक्का पीने के लिए, चकमा हुक्का। तम्बाकू किधर? तम्बाकू, तम्बाकू डालना है। नहीं नहीं, थोड़ा दी, दिन को दे दिए दी, ये भाई खाएगा दोनों। ये क्या जैक फ्रूट होता? ये कटल, कटल, कटल। सारा गिर गया चाचा। दूर फेंकना नहीं तो यहाँ पे इधर मधुमक्खी आ जाएगा। तो अभी भर रहे हैं हम चकमा हुक्का, इसके अंदर तम्बाकू इसका, और इसका होता क्या बोलते हैं इसको, चिलम, जैसे हमारे उधर हरियाणा राजस्थान में होता है ना वैसा यहाँ पे, लेकिन सेब थोड़ा छोटा है और बैम्बू से बना हुआ होता है ये वाला। वो भी दिखुना का मायना चूल्हा, ये रहा भाई चूल्हा। अब इसके ऊपर अपने को डालना पड़ेगा थोड़ा कोयला घूमने के लिए। और ये चाचा का प्यारा सा घर। इस तरफ क्या रखा? गेहूं, गेहूं नहीं चावल होगा। इनका बेड है, ये भी बांस से बना हुआ है, पूरा घर बैम्बू से ही है। चाचा आपका क्या नाम होता? हुनामिया। हुनामिया, हुनामिया चकमा। और आपके घर पे लाइट होता? लाइट नहीं, गाय ही नहीं। अच्छा, लाइट नहीं? नहीं। आपका बगान होता? बगान कहाँ पे? इधर ही है, उधर ही, उधर ही है, तीन है बगान। और झूम झूम करता? नहीं नहीं, झूम करता ना, झूम झूम में बगान थम्बू लगता है। क्या लगाता है? सुपारी। सुपारी, सुपारी, मक्का, मक्का, मक्का। और वो साग, मजे साग। आप सुअर नहीं खाता? नहीं नहीं खाता। मीट नहीं है? अभी मीट नहीं खाता। नहीं, मच्छी खाता है, कभी खाता है। अच्छा है, जाता नहीं खाता है, कभी खाता है। ओके ठीक है चाचा, हम हुक्का पीता, आप पीता, आप पिएगा? हेलो, इसमें धुआं निकलता नहीं, निकाल के देता, अभी मैं भर के लाता। कैसे पीता आप, मेरे को पी के दिखाता पहले? मेरे को मालूम नहीं कैसे पीता, कैसे पकड़ के। आपका वीडियो बना रहा है, दियान मोदी के पास भेजेगा तो वो तम्बाकू मिलेगा। लॉजिक देखो भाई का, यही काम रह गया मोदी का। ब्रू लोग अभी ज्यादा कहाँ पे, त्रिपुरा में ज्यादा होता है या मिजोरम में होता है? त्रिपुरा में। और आपके ब्रू लोग में वो भी होता, जंगलपति? जंगलपति, जंगलपति ब्रू लोग में नहीं होता है। तो जंगलपति अगमपति है ना? हाँ हाँ, ब्रू में नहीं होता। देबरमा मालूम है? देबरमा, अच्छा उसमें होता, उसमें होता। वो जंगल में रहता? अभी तो नहीं रहता है, वो लोग भी, हम लोग भी मालूम नहीं है किधर में रहता है। नी मुंगमा सैलेनिक, थैंक यू मेरे को बर्मा ब्रू सिखाने के लिए, थैंक यू। तो अभी शाम का टाइम हो गया तकरीबन 5:30 और मैं बैठा हूँ अपने राजस्थान भाइयों के साथ में। एक्चुअली इनका काम क्या है यहाँ पे, जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी, इनके अंदर इनका काम चलता है। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए? हमारा को 2 साल हो गया। अच्छा, और यहाँ पे जो खाना पीना है वो सेट हो गया आपके? हाँ, वो खाना एकदम पूरा यानी राजस्थान वाला ही है। राजस्थान वाला एकदम? अच्छा, इनका सूर वो नहीं? नहीं नहीं, हम नहीं खाते ना भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो राजस्थान वाला यहाँ पे कैसे एडजस्ट होता है, सब्जी वगैरह? सब्जी तो यानी पूरा यानी बाजार से ले आते हैं। अच्छा, और जैसे आटा है, गेहूँ का आटा आ जाता है। हाँ, दाल है, दूध है, जो दूध वो ये ध्यान दुकान से ले आते हैं लिक्विड वाला। अच्छा अच्छा, मुश्किल तो काफी होता है? मुश्किल तो होता है लेकिन सूर तो नहीं खा सकते ना आपने? सूर भी नहीं खाते है, जैसे मुर्गी नहीं खाते, कुछ नहीं खाते, एकदम प्योर देसी। तो अभी का प्लान अपना कुछ ऐसा बनाए कि आपने जो भाई जी है ये बोल रहे हैं कि आप आज यहीं पे रुक जाओ। क्यों रुक जाओ, आज मंगलवार है ना? हाँ। मंगलवार को क्यों नहीं जाते हुए? बालाजी का बार है, खीर पूरी बनाएंगे। अच्छा, तो आज रुकते हैं यहीं पे और कल सुबह निकलेंगे यहाँ से आगे की तरफ। तो ये आ गया भाई अपना खाना, खीर और पूड़ी, क्योंकि आज मंगलवार और मंगलवार डेडिकेटेड होता है हनुमान जी को, और हर मंगलवार को खीर पूड़ी बनता है, उनका प्रसाद फेवरेट। हर मंगलवार को यही बनता है अपना? हाँ, खीर पूड़ी। पक्के भगत हनुमान जी का? खीर पूड़ी और कभी कभी दाल बाटी चूरमा। चूरमा, मैं ना, मेरे को 4 महीने हो गए घर से निकले हुए। लास्ट टाइम कब खाया था मैंने? चूरमा खाया था और हलवा खाया था।
बिश्नोइयों के घर पे। उसके बाद मेरे को भी काफी घर का याद आ रहा था, मतलब ज्यादा याद तो ऐसे तो नहीं आता, लेकिन भूख लगता ना तब घर का याद आता है। एक खीर पूड़ी याद आता, इधर तो मिलता नहीं, सुअर वोर ये खाए काम चलाना पड़ता है। तो आज यहाँ पे आके थोड़ा घर वाला फील आ रहा है। रास्ता नहीं भाई, जब भी मिलते ना अच्छा लगता है। चूरमा भी आ गया भाई, अपनी ख्वाहिश की चीज। तो करते हैं भाई एंजॉय अपना खाना, और आज की वीडियो को भी करते हैं यहीं पे फिनिश। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।